वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन DS2। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, आज जो हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख रहे हैं उसमें का सेकंड पार्ट जो देख रहे हैं जिसका नाम है अल्किन। अल्किन के नोमेल क्लेचर्स हमने देख रहे हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने कॉमन नेम देखे थे, लेकिन इस लेक्चर्स में हमें क्या करना है, IUPAC's नेम हमें आज सीखना है। IUPAC's नेम सीखना है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो ये वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसको IUPAC's नेम क्यों कहा जाता है, तो इसका रीज़न ऐसा है कि वर्ल्ड में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनका नाम रखना शक की बात नहीं है, इसीलिए ये रूल से हम नाम याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसका नाम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि IUPAC's नेम सीखते समय कोई रूल्स एग्जाम में आते नहीं हैं और आने वाला भी नहीं है। अगर ये रूल्स हम अगर शुद्ध हिंदी में याद रखें तो हम IUPAC's का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, IUPAC's का क्वेश्चन नाम रखने से पहले सॉल्व करने से पहले एक कार्बन को क्या बोलते हैं, जैसे कि वो पता होना चाहिए, एक कार्बन को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए, एक कार्बन को जैसे कि हम मीथेन बोलते थे कार्बन में, एक कार्बन को, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसीलिए दो कार्बन से स्टार्ट करना, इसका नाम होता है इथीन, क्या नाम होता है इथीन, दो तीन कार्बन लेकर होता है प्रोप इन, क्यों बोलते बेटा इसको, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद में चार कार्बन लेकर नाम बुट इन, पांच कार्बन लेकर नाम पेंट इन, छह कार्बन का नाम हेक्स इन, सेवन कार्बन का नाम हेप्ट इन, आठ कार्बन वाले का नाम होता है ऑक्ट इन, उसके बाद में नौ कार्बन का नाम होता है नोन इन, और दस कार्बन वाले का नाम होता है डिक इन, क्योंकि ये नाम हमें याद रखना जरूरी है, ये अगर आए तो हम IUPAC's नेम का ये सकते लगे तो इस रूल्स का स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें क्या करना है कि कोई प्रॉब्लम लेना है, जैसे कि देखो उसके बाद में अल्किल ग्रुप के नाम हमें लिखना जरूरी है, मैं यहां पर लिखता हूं अल्किल ग्रुप, जैसे कि CH3 इसका नाम होता है मिथाइल और C2H5 इसका नाम होता है इथाइल। एक्चुअली मैंने जब अल्किल ग्रुप लिखे तो यहाँ पे मुझे एक याद आई है रूल्स की, रूल्स नंबर 5, अगर अल्किल ग्रुप का नाम, देखो अल्किल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर से दो, अल्फाबेटिकल के ऑर्डर से दो, ओके अल्किल ग्रुप का नाम हमें अल्फाबेटिकल के ऑर्डर से देना है। तो यहाँ पे हमने 5 रूल्स लिखे, इसके अलावा और भी कोई रूल्स आता है तो वैसे हम बोर्ड पे लिख देंगे और यहाँ पे हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो IUPAC's नेम कैसा सीखना है, जैसे कि हमने अल्किन का IUPAC's नेम सीखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होने वाला बेटा, क्या चेंज होने वाला वो मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले एक प्रॉब्लम है CH2, हाउ टू IUPAC's नेम से इसको नाम देना है। तो पहला रूल्स हमें कोई अप्लाई नहीं करना है, तो दो कार्बन वाले का नाम होता है इथ, और यहां पे डबल बॉन्ड आया इसीलिए क्या लगाया दो ईन लगाया दो, समझ में आया, इथिन फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट वाला हमें सॉल्व करना है, तो CH3 CH2
सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ ही तक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सी एस टू लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। तो सबसे पहले इसको जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ती है, जैसे कि यहाँ से मैंने कर ली है लॉन्गेस्ट चेन, मैंने यहाँ पे कार्बन की कर ली है। तो नंबरिंग देना है, भी पहला रूल्स मैंने यहाँ पे दिया, क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ओके नंबरिंग दो। पहला रूल्स मैंने यूज कर लिया, दूसरा नंबरिंग दो, पर कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीके। अगर इस एंगल से देखता हूँ तो एक कार्बन है, इस एंगल से देखाता हूँ तो दो कार्बन है, तो नंबरिंग क्या यहाँ से दूँ मैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से कार्बन की संख्या ज्यादा है, मैक्सिमम कार्बन, लेकिन यहाँ पे कम है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से दूँ। चलो 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसका नाम कैसे आएगा, हाउ टू आयूपैक्स नेम, इनका आयूपैक्स नेम हम किस तरह से दे सकते हैं। तो इसका नाम होता है, सबसे पहले क्या नाम है, प्रोप, तीन कार्बन है ना, प्रोप, प्रोप इन है, लेकिन एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए इन आया, प्रोप वन इन। ऐसे आया कि बेटा यहाँ पे एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए एक का नंबर यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखे वाला है। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इस तरह से सॉल्व करने के बाद में हमें क्या करना है कि ये जो प्रोप वन इन है उसका हमने आयूपैक्स नेम पूरी तरह से दे दिया है। तो सबसे पहले उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा और बढ़ा लेना है। देखो बढ़ा लेते हैं, समय सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, ओके। तो हाउ टू आयूपैक्स नेम इन दिस कंपाउंड, किस तरह से करोगे, जैसे कि हमने रूल्स क्या अप्लाई किया था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सिंपल सा मैंने कर लिया। कर लेने के बाद में नंबरिंग दी, नंबरिंग कहाँ से थी, इस एंगल से। क्यों नहीं दे सकते इस एंगल से, इसका रीज़न है कि अगर ये डबल बॉन्ड है, एक दो तीन, ज़्यादा कार्बन दिख रहे, और इस एंगल से देखें तो एक ही कार्बन दिख रहा, तो जहाँ से कम कार्बन है, जहाँ से डबल बॉन्ड है, वहाँ से क्या देना, नंबरिंग देना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर तो मैंने नंबरिंग दे दी, लेकिन क्या चार, कितना है, चार कार्बन, चार कार्बन वाले का नाम क्या होता है, बुट। उसके बाद में एक पोजीशन पे कैसा बॉन्ड है, डबल, बुट इन। समझ में आया सबको, इस तरह से हम जो है आयूपैक्स नेम दे सकते हैं, आयूपैक्स नेम का ये रूल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स हमें सीखना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें है कि यहाँ पे CH3 CH2, देखो इस तरह से है, बहुत आसान है बेटा, देखो यहाँ पे मैं इसका नंबरिंग दे दिया, ओके। एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, पाँच ही है ना, ठीक है पाँच है। तो मैं इसको क्या करूँ, नंबरिंग देता हूँ, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कहाँ से दो, यहाँ से दो, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी देर के लिए चेंज करेंगे और वही ऐसा एग्जांपल हम देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 कार्बन का नाम होता है पेंटिन, क्या नाम होता है, पेंटिन। तो यहाँ पे हमें नाम देना है, तो यहाँ पे पेंट ऐसा लिख देने का है पूरा। उसके बाद में एक पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल, इसीलिए क्या लगाना है, EN लगाना है, पेंट वन EN। तो यहाँ तक हमने चार प्रॉब्लम इस आयूपैक्स नेम में देख लिए। इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम, इससे भी हार्ड प्रॉब्लम हमें देखना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, तो हमें कार्बन के नाम पता है, एक वाले कार्बन का नाम क्या होता है, दो वाले कार्बन का नाम, एक बार पूरी तरह से बोर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो देखो मैं 5 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे लेने वाला हूँ। 5 नंबर का प्रॉब्लम क्या रहने वाला है, देखो CH3 नहीं, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, CH2 CH CH2 CH3। तो देखो इस तरह से आया, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या बोला था पहले लेक्चर्स में, इसके पहले वाले एग्जांपल में, कि हम बॉन्ड की पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो वैसा बिल्कुल हम यहाँ पे
कर रहे हैं। तो बॉन्ड की पोजीशन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखो यहाँ से चेंज कर दिया, चेंज करने के यहाँ पे CH3 है बेटा। तो नंबर ही कहाँ से दो, यहाँ से नहीं देना, क्यों नहीं देना, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर देता हूँ 1, 2, 3 का 4 बराबर है। तो इसका नाम क्या होने वाला है, देखो चार कार्बन वाले का नाम होता है बुटेन, बुटीन। तो बुट पहले लिखना, एक की पोजीशन लिखना, EN लिखना, ओके। क्या डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये डबल पोजीशन, डबल कार्बन के बीच सेकंड कार्बन पे भी हो सकता है, थर्ड कार्बन पे भी हो सकता है, फोर्थ कार्बन पे होता है, फिफ्थ कार्बन पे होता है। जैसे कि यहाँ पे ये करता है कि चेन कैसी लंबी है उस पे ये डिपेंड होता है। तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ छठा नंबर का। तो देखो यहाँ पे छठे नंबर का एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2। नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज करेंगे, CH CH2 और CH3। देखो अभी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग देना है। अगर इस एंगल से देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 कार्बन है, इस एंगल से देखें तो 1, 2 कार्बन है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ओके। तो 5 का नाम होता है पेंट वन इन, ऐसा बोला था हमने पहले के एग्जांपल में। तो क्या कर रहा, पेंट लिख दो, उसके बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दो, इन ही लगा दो, पेंट टू इन, बहुत ही आसान है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमें क्या करना है, सीखना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, CH2 CH2। उसके बाद में यहाँ पे मैं इक्वल नंबर ऑफ कार्बन लगा देता हूँ, चलो इक्वल नंबर मीन्स डबल बॉन्ड के अक्रॉस में। देखो अगर इस अक्रॉस में देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका नंबरिंग कैसे दोगे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आयुपैक्स हमें नहीं बोलता कि तुम इसका नंबरिंग यहाँ से भी दो, इसका नंबरिंग तुम यहाँ से भी दो, कोई यहाँ से भी दो, नहीं तो यहाँ से भी दो, कोई प्रॉब्लम आने वाला आपको नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग दूंगा मैं, चलो इस एंगल से देता हूँ, तो इस एंगल से 1, 2, 3, 4। उसके बाद मैं इस एंगल से देता हूँ 1, 2, 3, 4। मीन्स इसका मतलब ऐसा होने वाला है कि दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड आने वाला ही है, बिल्कुल आने वाला ही है। अगर इक्वल नंबर है तो हम दोनों एंगल से नंबरिंग दे सकते हैं, तो राइट हैंड साइड से भी दे सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से भी दे सकते हैं। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें कैसा करना है, तो हमें 5, 4 कार्बन वाले का नाम होता है बुट, 2 इन, ओके। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ द आयुपैक्स नेम। आपको यहाँ तक पूरी मेथड समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ा और भी मैं तीसरी स्लाइड्स ले लेता हूँ। तीसरे स्लाइड्स पे हमें क्या करना है, और भी आयुपैक्स नेम के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर सेवन हमें देखना है। प्रॉब्लम नंबर सेवन का प्रॉब्लम हमें आज देखना है। तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा देना बेटा, अल्काइल, कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और इसके नंबरिंग हमें देना है। हाउ टू, यहाँ पे मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया, अल्काइल ग्रुप मीन्स कौन सा, CH3 वाला, मिथाइल वाला अल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगाया। तो क्या करना, ऐसा अल्काइल ग्रुप अगर आए तो क्या करना, घबरा नहीं जाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबरिंग एक क्या करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1, 2। यहाँ से नंबरिंग क्यों देंगे, क्योंकि इस अक्रॉस में अगर देखिए तो एक ही कार्बन है, इस अक्रॉस में देखें तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमें अल्किल ग्रुप का नाम लिखना जरूरी है। तो अल्किल ग्रुप का नाम हम क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 3 पोजीशन है, तो 3 मिथाइल, उसके बाद में क्या लिखेंगे,
एक दो तीन चार पाँच, पहले डल चेंज करना, पाँच वाले का नाम क्या होता है? पेंट वन इन, इस तरह से इसका नाम समझ में आया कि अल्काइल ग्रुप की पोजीशन सबसे पहले यहाँ तीन कहाँ से आया कि ये अल्काइल ग्रुप की पोजीशन है बेटा, अल्काइल ग्रुप की पोजीशन है। थ्री का नाम मिथाइल है, पेंट वन इन इसका नाम है। एट नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे हम। चलो एट नंबर के एग्जाम्पल में थोड़े से और भी हार्ड ले सकते हैं हम। CH3 चलो, हाउ टू कैलकुलेट IUPAC's नेम, IUPAC's नेम किस तरह से तुम इसका दोगे? तो घबरा नहीं जाना है। तो देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, करने के बाद में नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहाँ से दूंगा मैं? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से नंबरिंग दे दी। तो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप कैसे हैं? सेम है, ओके, दो ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे 4, 4 लिखना। दो अल्किल ग्रुप सेम आया था, हम केमिस्ट्री में क्या लेते हैं? डाय। यहाँ पे रूल्स में लिखे वाला है, हमने रूल्स में लिखे वाला है, डाय आता है। उसके बाद में CH3 का नाम मिथाइल, डाय मिथाइल। एक दो तीन चार पाँच, पाँच का नाम पेंट, पेंट के बाद में यहाँ पे टू इन, नहीं सॉरी वन 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 बेटा वन वन इन, ओके। यही इसका एग्जाम्पल है। नाइन नंबर का एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। नाइन नंबर का एग्जाम्पल कैसा है देखो, CH3 उसके बाद में C2H5 उसके बाद में CS2 एक दो, ओके। हाउ टू कैलकुलेट IUPAC's नेम, IUPAC's नेम समय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ही आसान स्ट्रीक है। तो पहले ही स्ट्रीक से हम चलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग देंगे, कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कार्बन यहाँ पे अवेलेबल्स है। तो इनका नाम कैसे दोगे बेटा? यहाँ पे नाम देते समय मुझे देखना कि चैन के बाहर के अल्किल ग्रुप के नाम देने। तो चैन के बाहर में तो डिफरेंट डिफरेंट अल्किल ग्रुप है, अभी सेम सेम वाले लिए थे हमने, तो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है ई वाला और एम वाला। मुझे बोलो अल्फाबेटिकल के हिसाब से एम पहले आता कि ई पहले आता? ई आता। तो इथाइल लिखो, इथाइल का पोजिशन लिखो 4-ethyl, 4-ethyl उसके बाद में 3-methyl, 3-methyl एक हेक्स वन इन, दिस इज आंसर। देखो बहुत आसान है और बहुत सोपा है, खूब सोपा है बेटा, खूब सोपा है। तर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ शिकूया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कौन सा पढ़ना है? मैं मराठी में बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, मराठी हमारी मातृत्व भाषा है, हमें आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, अगर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ओके, उसके बाद में मुझे क्या करना है, CH2 CH CH2, ओके, इस तरह का कंपाउंड है। तो हाउ टू नेम, तो कुछ भी नहीं, घबरा नहीं जाना। तो देखो ये बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो CH2 और यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ। चलो इस तरह का कंपाउंड हम देखेंगे, ऊपर एच, ओके, बहुत आसान है। तो देखो इस तरह का कंपाउंड आया, तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग दी। नंबरिंग अभी कहाँ से दूंगा मैं? जहाँ से डबल बॉन्ड, अगर इस एंगल से देखें तो भी डबल बॉन्ड है, इस एंगल से देखो तो भी डबल बॉन्ड है। तो घबरा जाना है क्या? नहीं घबरा जाना। तो कौन से एंगल से नंबर दो बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने यहाँ से नंबरिंग दी।
यहाँ से नंबरिंग देने के बाद में मुझे यहाँ पे 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिला. क्या मिला? मिथाइल ग्रुप मिला. क्या मिला? मिथाइल ग्रुप मिला. मिथाइल ग्रुप मिलने के बाद में मुझे आगे क्या होता है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का नाम है हेक्स. उसके बाद में यहाँ पे एक पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो क्या लेना? डाई. अरे बाबा, एक पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है. तो यहाँ पे ई यानी लगा देना. ओके, बहुत आसान है ना. उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में बोलूंगा आपको CH3. अगर ऐसे 3 भी आए डबल बॉन्ड तो 3 लेना, 4 आए तो 4 भी लेना, हो सकता है, आ सकते हैं. ओके, ये आपके लिए होमवर्क है. चलो, होमवर्क करके घर पे लाना है CH3 CH2. हाउ टू कैलकुलेट्स, इस तरह का होमवर्क हमें करना है घर, और इसका आंसर मुझे बोलना है फास्ट. ये हमारे लिए होमवर्क है. तो IUPAC नेम के क्वेश्चन बेटा हमने यहाँ तक पूरी तरह से कर लिए. और भी ज़्यादा चाहे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके कमेंट में बोलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा आपको. और भी लेना है सर तो क्या हो रहा है मालूम क्या? आपको भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो IUPAC नेम का हर एक प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे. मेरे स्ट्रिक के हिसाब से चलोगे, स्ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो IUPAC का एक ही प्रॉब्लम तुम्हारा गलत नहीं हो जाएगा. तो बेटा रुकते ही आज, जो कल जो है, कल लेक्चर्स हमें लेना है. तो कल के लेक्चर्स में हमें जो अल्किन का जो बचा हुआ पार्ट्स है वो लेना है. ओके, तो रुकते ही यही. थैंक यू.